5 और हम अपने रूम से चेकआउट कर चुके हैं। सो अभी हम निकलने वाले हैं चोपता से तुंगनाथ की तरफ। सो सामने देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। नीचे पूरे बादल लगे हुए हैं और ऊपर पूरा हिमालय चमक रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है तुंगनाथ जी का ट्रैक। मेरा पार्टनर आगे चल रहा है। काफ़ी अंधेरा है जिस वजह से आपको कुछ देख नहीं पा रहा है। सो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर तुंगनाथ जी के ओर को, और करीब करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद स्थिति यह है कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल मुझे लग रहा है कि हमारे लेवल जीरो की ओर जा रहा है। तो इसलिए अब हम धीरे धीरे जो अपनी स्पीड कम कर रहे हैं, लेकिन तुंगनाथ जी तो जाना है और क्या चंद्रशिला के आपको दर्शन कराएंगे, तो चलते जल्दी जल्दी। और आप फिर व्यू देखिए, सूरज की कहिए पहली बस, किरण सिर्फ देखिए क्योंकि हम कुछ हिमालय पे करेंगे पड़ हमारे चुकी है। शब्द थोड़ा है इस नेचर को डिफाइन करने के लिए कम पड़ जाएंगे। तो इतना आप खूबसूरत सिर्फ नज़ारा देखिए है। और खुद अपने व्यूज जो है कमेंट बॉक्स में पास कीजिए। मज़ा आ रहा है। चलो आप थकान दर्शन बहुत हो करके रही है। आप अभी फिलहाल हमें 4 लोग मिले। ये लोग सुबह 3 बजे निकले थे बट ट्रैक पूरा नहीं कर पाए। सो हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम ट्रैक पूरा करें। पूरा करेंगे आइज और चंद्रशिला तक तो जाएंगे, देखते हैं बाकी भोलेनाथ जी की इच्छा है। पूरे बादल जो है ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर हम जल्दी नहीं पहुँचे तो फिर से हम आपको ये व्यू नहीं दे पाएंगे, बिकॉज़ पूरा जो है बादलों की वजह से कवर हो जाएगा। फ़िलहाल चलते हैं। ये ऊपर मेरे ख्याल से जो चोटी है वो है तुंगनाथ जी की। तो सो गाइस चलते फाइनली आपको एक ऐसा मोमेंट दिखाते हैं जहाँ से तुंगनाथ जी के हमको पहले दर्शन हुए हैं, और यहाँ से मुझे लगता है अभी जो स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे हमको चढ़ना है, उसके बाद हम आपको तुंगनाथ जी के दर्शन करा पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह बात यह है अमित कि बादल जो है ऊपर की ओर को आ रहे हैं और हमारा टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है कि हम चंद्रशिला तक पहुँचे। फिर भी हम ट्राई कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी चंद्रशिला पर्वत ट्रैक करें और अपने व्यूअर्स को बहुत चंद्रशिला प्यारा के सा व्यू दिखाएं। दर्शन करवाएं। सो इतनी चलिए पहाड़ियां हैं वहां चलते हैं। चंद्रशिला सो हम सबसे ज्यादा हैरान इस बात को लेके हैं कि ऐसा 6 बजे मानिए हम जो निकले 15 मिनट थे, पर तुंगनाथ जी के मंदिर पर हैं। छः सही बजे बोल निकले रहे हैं, थे निकले थे और 7:15 7:15 हो रहा है मिनट में हम जो तुंगनाथ जी के पहुंच मंदिर चुके हैं और में काफी पहुंच एक्साइटिंग है चुके। पूरा ट्रैक रहा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो वगैरह सब यहीं पे खोलने बाहर से, उसके बाद चलते हैं मंदिर की तरफ। सो पहुंच चुके हैं फाइनली मनास मंदिर पे। ये देखिए व्यू, ओह दुनिया का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दुनिया का या शिव जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सर्वोच्चतम मतलब समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ये लीजिए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए प्यारा सा व्यू। इसके बाद सो फिलहाल आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यह है तुंगनाथ जी का मंदिर। काफ़ी प्यारा एरिया है। सत्यम शिवम सुंदरम, यह महानंदा वह भैरवनाथ जी का मंदिर। तो पहले आपको दर्शन करवा लेते हैं, उसके बाद यह है उदयकुंड, उसके बाद हम खुद भी दर्शन करेंगे बड़े प्यार से। ये देखिए ऊपर से काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। और इधर है भूतनाथ जी का टेंपल, सो आपको लेके चलता हूँ उधर। धन्यवाद तुम्हारी। कैमरा मिला आपको? हाँ, अब हम इसको अपने साथ चंद्रशिला तक लेके चलेंगे। कुछ नहीं,
पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम अपने साथ चंद्रशिला तक लेके चलें। इसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, ये देखिए। आया आया आ। फिर मेरे साथ भगवान जी के मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर वो देखिए वो टॉप में है चंद्रशिला, भी हमें वहाँ जाना है। बहुत थकान लग रही है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। और तब तक मैं आपको एक व्यू दिखा दूँ वैसे, ये देखिए वो ऊपर पता नहीं कब पहुँचेंगे। अब यहाँ से माय गॉड नीचे गहरा, ही देखिए देख के डर लग रहा है, फिर भी आपको एक बार वो है मेरे ख्याल से चुपता। फाइनली हम चंद्रशिला पहुँच चुके हैं, ये देखिए चंद्रशिला का एक प्यारा सा व्यू। तो चलिए ऊपर चलते हैं, वो उधर तक लोग खड़े हैं। चलो मिलते हैं ऊपर आपसे। सोच लीजिए पहुँच चुके हैं हम चंद्रशिला में। इधर से इस व्यू के लिए हम आपको आए थे, ये देखिए काफ़ी प्यारा व्यू है। तो गाइस फाइनली 2 घंटे के ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रशिला। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये ब्यूटी को मतलब डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। आप आए देखें और ख़ुद फील करें मतलब कि क्या व्यू है। मतलब चारों तरफ आप बादलों से मतलब कई गुना ऊपर हैं आप देख सकते हैं। मैं एक व्यू और दिखाने जाऊंगा आपको, मैं पूरे चारों तरफ से हिमालय से मेरे मतलब जो है चारों तरफ से हिमालयों से घिरा हुआ हूँ मैं। सारी चोटियाँ हिमालय जो है, ये देखिए ये इधर से हिमालय एरिया स्टार्ट है, ये पूरा हिमालय एरिया है। और इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये, और फाइनली ये रहा चंद्रशिला मंदिर। और अब देख लीजिए क्या प्यारा नज़ारा है इधर का, मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगा आपको अपने शब्दों में। सो चंद्रशिला पहुँचने तक हमें 8 बजे हैं, 2 घंटे में मतलब तुंगनाथ बाबा जी के दर्शन करके चंद्रशिला में पहुँच चुके हैं। अब नीचे एक प्यारा सा छोटा सा शिवलिंग मेरे को दिखाई दे रहा है, सो आपको लेके चलता हूँ उस शिवलिंग के पास। और सब तो काफ़ी इधर व्यू देखिए जरा नीचे शिवलिंग, मतलब वी आर इन पीस टोटली। गिरने का रिस्क तो है, नीचे काफ़ी गहरी गहरी खाई हैं, लेकिन जो सुकून यहाँ पे है मेरा तो ये मानना है कि वो कहीं नहीं मिल सकता। आपको आना चाहिए, घूमना चाहिए। पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट, रूम से कर लिया है चेकआउट। सो अब निकलते हैं बद्रीनाथ जी की तरफ और करवाते हैं आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन। सो लेट्स गो गाइस।